जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। जैसा कि अभी आपने सुना दोस्तों, इंडियन आइडल फर्स्ट रनर अप रही देवोस्मिता रॉय ने कोलकाता पहुंचने के बाद में न्यूज 18 बांग्ला चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए यहां सारी बात बताई है। आपको बता दूं दोस्तों कि जैसा कि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडियन आइडल 13 के विनर ऋषि सिंह बने हैं, तो वहीं देवोस्मिता रॉय फर्स्ट रनर बनी है और वह विनर बनने तक का सफर किस तरीके से रहा था, जब इस बारे में उनसे सवाल किया गया उसका जवाब देती हुई यहां नजर आ रही थी दोस्तों, जिसमें कि उन्होंने अपनी सारी बातों को बताया है कि कैसे वह पहले कोलकाता में 2 से 3 ऑडिशन दिया था, उसके बाद में मुंबई में तकरीबन 7 से 8 राउंड उन्होंने अपना ऑडिशन दिया था, और उसके बाद में जो हम लोगों ने पहला प्रोमो इनका देखा था रोज रोज आंखों तले, उस परफॉर्मेंस को करती हुई नजर आई थी, और ये बहुत ही स्ट्रगल वाला मूवमेंट था उनके लिए, और ये कभी सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं इतने बड़े मंच पर पहुंच पाऊंगा, जहां कि उनके पापा ने इस बात की शिद्दत की थी और उन्होंने भी ये बात बताई कि किस तरीके से उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि देवोस्मिता इतने बड़े मंच पर जा सकती हैं और साथ ही साथ जाने के बाद में इस तरह की कामयाबी उन्हें मिल सकती है। इन सारी बातों को उन्होंने न्यूज 18 बांग्ला चैनल को दिए एक इंटरव्यू के दौरान में सारी बातों को बताया है। कॉन्ग्रेचुलेशन की वह हकदार तो बिल्कुल है दोस्तों, जिस तरह का उनका शानदार सफर रहा था पूरे इंडियन आइडल के सीजन के दौरान में, लाजवाब और जबरदस्त रहा था, जिसे कि जनता ने जबरदस्त रेस्पॉन्स दिया और जमकर उन्हें वोटिंग मिली, लेकिन बावजूद उसके वो फर्स्ट रनर अप बन पाई हैं। उम्मीद करूंगा आज का यह वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जिसमें आपने इन सभी बातों को जाना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।